Hi everyone and welcome back to Mamiya Vlogs. Wishing you all a very happy Navratri. माता रानी से यही उम्मीद करती हूँ कि मेरी पूरी Mamiya फैमिली और हर वो इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है उसका जीवन खुशहाली और संपन्नता से भरा हुआ हो. तो इसी कामना के साथ आज की वीडियो शुरू करती हूँ. लास्ट वीडियो में मैं लेकर आई थी हमारी सब्सक्राइबर मोनिका जी के हमारे साथ शेयर किए हुए कुछ प्रोजेक्ट्स, जिसमें उन्होंने अपनी प्रिंट साड़ी से जो भी कैजुअल आउटफिट्स बनवाए थे उसको मैंने उस वीडियो में रखा था, और बाकी जो बचे हुए उनके आउटफिट्स थे फॉर्मल आउटफिट्स उनको आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. साड़ी से कोई भी ड्रेस क्रिएट कराने का जो ट्रेंड है ना, ये आज का नहीं है, बहुत सालों से चलता चला आ रहा है. बट हाँ, जिस तरीके से हर सिस्टम अपग्रेड होता है ना, उसी तरीके से हमारा ये जो रीयूज वाला सिस्टम है ना, ये भी अपग्रेड हो गया. और पहले सिर्फ सूट्स वगैरह हम क्रिएट करवाते थे, और आजकल हम आ गए हैं ड्रेसेस वगैरह बनवाने पर. और ड्रेसेस क्या, इनफैक्ट अब तो हर चीज़ हम क्रिएट करवा लेते हैं अपने इन्हीं साड़ीज से, जो पुरानी साड़ीज हमारी पड़ी हुई हैं. मोनिका जी के आज मैं 3 प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सबसे पहले एक बात बता दूँ कि आज के जो 3 प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उन तीनों के अंदर ना एक्स्ट्रा गोटे या लेस का यूज किया गया है. तो आप किसी भी तरीके की अपनी प्लेन साड़ी पर इन आउटफिट्स को ट्राई कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपके पास बॉर्डर वाली साड़ीज हैं तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि अगर मैं किसी भी साड़ी प्रोजेक्ट को आपको प्लेन साड़ी में बता रही हूँ तो आप उसे सिर्फ प्लेन साड़ी पर बनवा सकते हैं, या कोई भी बॉर्डर वाली साड़ी का बता रही हूँ तो उसे बॉर्डर वाली साड़ी में बन सकता है. ऐसा नहीं होता है. एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को आप किसी भी साड़ी पर अपने देख के ध्यान से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो चलिए, ये है उनका पहला प्रोजेक्ट जिसके अंदर उन्होंने अपनी एक प्लेन साड़ी के ऊपर उसका योग पोर्शन अलग है, बॉटम पोर्शन अलग है. बॉटम पोर्शन जो है इसका, उसको बनाया गया है प्लेट्स डाल के. आप इसे कलीदा रख सकते हैं, इसे बॉक्स प्लेट्स में कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से जैसा भी आप चाहें, या जो भी आपकी कॉस्ट कटिंग के हिसाब से, या जितना आप लगाना चाहते हैं, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं. क्योंकि आपकी साड़ी अगर प्लेन साड़ी है तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. हाँ, इकलौती चीज़ जो सोचनी पड़ती है वो सोचनी पड़ती है उन लोगों को जिनकी बॉडी प्लस साइज है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कलीदारों से बनवा कर. अब यहाँ पर जो स्लीव्स रखी गई हैं उन्हें एक फ्लेयर्ड स्लीव्स किया गया है, हाफ वो बंद है और नीचे वो फ्लेयर्ड है, कट डाल के उन्हें फ्लेयर्ड रखा गया है. नेक को वी रखा गया है, और वहाँ पर एक्स्ट्रा गोटा पट्टी का यूज़ किया गया. आपके पास कोई भी साड़ी का अगर बचा हुआ किसी और साड़ी का भी बॉर्डर पड़ा है और मैच करता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. साथ ही साथ जो जॉइंट वाला पार्ट है, योक और बॉटम को जॉइन करने वाला, उसके ऊपर भी इसी तरीके का जो गोटा पट्टी है उसका यूज़ किया गया. तो एक बहुत ही सिंपल सा आउटफिट है जिसे आप बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर स्टिच करवा सकते हैं. अब बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ. इस वक्त जो आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज के अंदर जो आपके पास एक आउटफिट क्रिएट हुआ हुआ है, इसे आप अपनी किसी भी प्लेन साड़ी से क्रिएट करवा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बॉर्डर वाली साड़ी हो उससे करवा सकते हैं. अगेन, इस आउटफिट में भी 2 पार्ट्स है, योक पार्ट है और बॉटम पार्ट है. बॉटम पार्ट को अम्ब्रेला स्टाइल में बनाया गया है, और जो योक पोर्शन है, योक पोर्शन के ऊपर अगेन वी नेक दिया गया है, वहां पर गोटा पट्टी यूज की गई है, और सेंटर में आप देख रहे हैं. तो पहले वाली ड्रेस से थोड़ा सा हटके काम ये किया गया है कि सेंटर में भी पट्टी जो है ना, गोटा पट्टी वो और लगा दी गई है. अगेन उसी तरीके से योक पोर्शन और बॉटम पोर्शन के जॉइनिंग पार्ट पर भी गोटा पट्टी का यूज किया गया है. स्लीव्स इसकी जो है 3/4 रखी गई है. अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई ब्रॉड बॉर्डर पड़ा है किसी भी साड़ी का बचा हुआ, या फिर अगर आपकी बॉर्डर वाली साड़ी है, तो नीचे के पूरे पोर्शन में और नीचे आप इस तरीके से अपने बॉर्डर को असेंबल करवा सकते हैं. यहाँ पर वेलवेट के फैब्रिक का यूज़ किया गया है, तो अगर आपके पास भी कोई इस तरीके का फैब्रिक पड़ा हो जो कॉन्ट्रास्ट में हो और आपकी साड़ी के साथ अच्छा मेल खा रहा हो, तो आप उसका भी बॉर्डर बनवा सकते हैं. बॉर्डर के नीचे बुकरम का यूज़ होता है जिसकी वजह से स्टिफनेस वैसी ही आ जाती है, तो आप किसी फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर क्रिएट करवाने में. सेम इसी तरीके का स्लीव्स के एजेस पर बनाया गया है, और दोनों के ज्वाइनिंग पार्ट यानी कि बॉर्डर को जिस जगह लगाया गया है वहाँ वाली सिलाई पर अगेन वही गोटा पट्टी का यूज कर दिया गया है, तो वो जो सिलाई है वो भी नहीं दिखेगी और एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा. कमिंग टू द लास्ट प्रोजेक्ट. अब इस प्रोजेक्ट को एक चिकन वाले फैब्रिक पर बनवाया गया है, तो अगर आपके पास कोई भी चिकनकारी की साड़ी हो आप उस पर भी इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं. यहाँ पर आपके पास अगर चिकनकारी की साड़ी नहीं है तो आप किसी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी का भी यूज कर सकते हैं. इस आउटफिट को भी 2 पार्ट से बनाया गया, ऊपर का योग पार्ट है और नीचे का बॉटम पार्ट है. बॉटम में उसी तरीके से एक चौड़ा बॉर्डर लगाया गया है.
बॉर्डर आपकी साड़ी का जो बॉर्डर होता है वो भी हो सकता है, और उसके अलावा आपके पास बचा हुआ कोई बॉर्डर हो वो भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट आइडिया के लिए बताया कि आप किसी फैब्रिक का भी, कॉन्ट्रास्ट वाले फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे वो चौड़ा बॉर्डर बना हुआ है, अपर जो इसका योक पार्ट है, योक पार्ट के अंदर पूरा जो योक है उसको क्रिएट किया गया है पल्ले वाले पार्ट से, जो कि आपका थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट था, जहाँ भारी पल्ला जैसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है उस तरीके से। अब यहाँ पर लेस वर्क यूज़ किया गया, क्योंकि जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है इस फैब्रिक पे, जो चिकनकारी का काम है वो वाइट कलर से है, तो एक लेस का यूज़ किया गया है। तो ये कुछ एक चीज़ें आजकल तो वैसे ही बहुत ट्रेंडिंग है इस तरीके का लेस वर्क, और आप इसको भी कर सकते हैं अपनी किसी भी आउटफिट पे अपने ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर लेस का यूज़ कहाँ किया गया है, नेक को इसके स्कूप नेक रखा गया है, और स्कूप नेक के बिल्कुल साइड्स में पट्टी आ रही है उस पर लेस लगाई गई है, ज्वाइनिंग पार्ट है वहाँ पर लेस लगाई गई है, प्लस आपके स्लीव्स के जो एजेस है वहाँ पर लेस का यूज किया गया है। अब यहां पर अगर आप चाहें तो नीचे जहां पर आपने बॉर्डर असेंबल अपना कराया है वहीं पर आप इस लेस का यूज भी कर सकते हैं, इसकी ब्यूटी और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। आई मस्ट से बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट क्रिएट हुआ है ये, और इन सब आउटफिट्स के साथ दुपट्टा आप अपने हिसाब से जो भी लेना चाहें वो सब आप ले सकते हैं। आई थिंक पहले वाली ड्रेस के साथ जिसमें स्लीव्स फ्लेयर्ड होती है ना, उसमें आपको ज़रूरत नहीं होती है दुपट्टा कैरी करने की, बाकी दोनों के साथ अगर आप चाहें तो आप दुपट्टा ले सकते हैं। तो ये थे मोनिका जी के हमारे साथ शेयर किए हुए सारे प्रोजेक्ट्स जो मैंने दोनों वीडियोस में कवर किया आपके साथ, आपके साथ शेयर किए। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मेरे से क्वेश्चन किए थे, हालांकि मैंने आप लोग को वहाँ पे रिप्लाई कर दिया, बट मैं चाहती थी कि हो सकता है सेम क्वेरी और लोगों की भी हो। एक सवाल था कि हम अपनी जो स्ट्राइप्स वाली साड़ी है ना उनको रियूज़ कैसे कर सकते हैं, या उसका रियूज़ मैं आपको बताऊँ। और दूसरा मेरे से सवाल था कि हम अपनी चेकर जो हमारी साड़ीज होती है जिनके ऊपर चेक होता है उनका हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि जो इस तरीके की स्ट्राइप्स वाली साड़ीज़ होती हैं या चेक वाली साड़ीज़ होती है ना, उनके ऊपर जो कलीदार पैटर्न्स हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो जो ब्यूटी है ना वो आती नहीं है, प्रॉपर जो कलियाँ होती हैं ना उस स्ट्राइप्स में और चेक्स में ये बन नहीं पाती हैं, तो इनको थोड़ा अवॉइड करके आप उसके अलावा जो भी आपके स्ट्रेट लुक वाले या ए लाइन के जितने भी आउटफिट्स हैं ना वो सब आप इन दोनों पैटर्न्स पे बना सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर पार्टी वेयर बनाना चाहते हैं तो उससे एक शर्ट क्रिएट करवा के नीचे प्लेन शरारा रखवा सकते हैं उसके साथ, और बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न क्रिएट होता है। अदरवाइज़ आप कोई भी ऐसा पैटर्न जो ऊपर से लेके नीचे तक सेम आता है विदाउट एनी कट, आप उसको चूज कीजिएगा अपनी स्ट्राइप्स और चेक प्रिंट वाली साड़ीज के लिए। आई होप आपकी जो भी क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई होंगी। और इसके अलावा भी अगर किसी को भी कोई सवाल करना है या कोई भी प्रॉब्लम है आपको अपनी साड़ी रियूज से रिलेटेड या किसी भी रियूज से रिलेटेड, तो आप उसके लिए मुझे DM कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स आपको इस वक्त स्क्रीन पर आ ही रहे हैं, आप मुझे कहीं पर भी DM कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, जल्दी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, इंजॉय कीजिए नवरात्र को, और अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताइए। जय माता दी।